Hey Plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friend, this video is all about top 15 heavy flowering plants for October garden. तो friends, आज के video में मैं आपको ऐसे heavy flowering plants दिखाऊंगी जो कि पूरे October month आपके garden में बहुत ही अच्छे से खिलेंगे. तो सबसे पहला जो आप plant देख रहे हो ये है अडेनियम का. तो friends, अडेनियम इधर autumn season में भी बहुत अच्छे से flowering करता है, जैसा कि आप मेरे इन plants में देख सकते हो. almost सभी plants में either buds आ रही हैं या फिर बहुत खूबसूरत से flowers खिले हुए हैं. आप देख सकते हो हर color बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत सा लग रहा है. तो अगर फ्रेंड्स आप भी देखना चाहते हो कि अक्टूबर मंथ में हमें इसकी कैसी केयर करनी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी. तो वहाँ पे आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. आप देखिए कितनी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है. पूरा का पूरा बंच में बहुत ज़्यादा ये फ्लावर्स देखने में खूबसूरत से लग रहे हैं. अभी फ्रेंड्स ये टिल नवम्बर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे. बस अगर इनकी पत्तियाँ जो होंगी वो पीली होकर अगर ज़्यादा तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएंगी तभी जाकर इनमें जो फ्लावरिंग होती है वो रुकती है. लेकिन अगर आपके यहाँ पत्तियाँ अब इनिशियली जैसे मेरे भी प्लांट में शुरू हो गई हैं लेकिन वो धीरे धीरे से हो रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 15th नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी. उसके बाद जैसे ही थोड़े से ठंडक और बढ़ जाएगी तभी जाकर इसमें फ्लावरिंग रुकेगी. बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है. हार्डली बस फ्रेंड्स विंटर्स में जाकर इसकी 2 महीने के अराउंड ही फ्लावरिंग जो होती है वो रुकती है, नहीं तो थ्रू आउट द ईयर ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है. इसमें आपको बहुत सारी वराइटीज़ भी मिल जाएंगी. अडेनियम में रोजी वराइटी मिल जाएगी, इसके साथ साथ स्वाजिकम मिल जाएगी, अरेबिकम मिल जाएगा. इसके साथ साथ आप नॉन ग्राफ्टेड अडेनियम के भी प्लांट्स को लगा सकते हो, जिसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि उसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है. तो जैसा भी आपकी चॉइस हो इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर लगाइए. ये है नॉन ग्राफ्टेड अडेनियम जो कि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा देखने में खूबसूरत सा लगता है. इतने सारे फ्लावर्स आपको बना के देगा कि आपका जो गार्डन होगा वो फूलों से भर जाएगा. और ये वाला जो प्लांट फ्रेंड्स आप देख रहे हो इसे मैंने सीड से लगाया था. अभी मैं इसका आपको मदर प्लांट भी दिखा दूंगी और आप देखिए ऑलमोस्ट दोनों ही प्लांट्स इक्वल साइज के हो गए हैं. तो बहुत अच्छे से ये मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है. आपको मैं अभी दिखा देती हूँ इसका जो मदर प्लांट है वो आप देख लो. ये तो बेबी प्लांट है जो कि फ्रेंड्स अभी 2 साल का भी इसकी एज नहीं हुई है, फिर भी ये इतने अच्छे से ऑलमोस्ट एक ट्री का लुक ले लिया है. ये फ्रेंड्स इसका मदर प्लांट है जिसके सीड्स से मैंने अभी आपको बगल वाला जो प्लांट दिखाया था वो बनाया था. और इस समय आप देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है. इवन दो इसमें सीड पॉड्स भी बन के तैयार हो रहे हैं तब भी फ्लावरिंग पे भी इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा. इतने ज़्यादा फ्लावर्स मेरे इन प्लांट्स में खिले हुए हैं, आप भी देख सकते हो. तो अडेनियम के प्लांट को अपने अक्टूबर गार्डन में ज़रूर शामिल करें. इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है बोगनवेलिया का. फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स हैं इन्हें मैंने रिसेंट में रिपोर्ट किया है और आप लोग के साथ जो अक्टूबर गार्डनिंग वर्क्स था उसमें मैंने शेयर भी किया था. तो आप देख सकते हो किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग शॉक कोई असर मेरे इन प्लांट्स में नहीं पड़ा है. और ये येलो वाला उस समय भी फ्लावरिंग कर रहा था और आज भी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत से फ्लावर्स इवन हैवी नंबर्स में इसमें फ्लावरिंग हो रही है. तो जो बोगनवेलिया का भी जो प्लांट है वो भी टिल नवम्बर तक, नवम्बर में जाके फ्रेंड्स इसकी फ्लावरिंग और ज़्यादा इन्हेंस होगी. बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है. क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये हो कि ये सिर्फ गर्मी में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है, नहीं, ये जो सूदिंग सा जब वेदर होता है नवंबर के आसपास और मार्च के अराउंड ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है. पूरा का पूरा आपका पॉट जो होगा वो फूलों से भर जाएगा. आपको पत्तियां बहुत कम सी देखने को मिलेंगी. अभी जब नवंबर में फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग होगी तो वो भी वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी. ये आप देख लो रिपोर्टिंग के बाद सब में बर्ड्स वगैरह निकलना फिर से शुरू हो गई है. तो इसे ज़रूर अपने अक्टूबर गार्डन में लगाइएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है यूफोर्बिया मिली का. फ्रेंड्स यूफोर्बिया मिली भी आप देख सकते हो आज मेरे यहाँ इतने खूबसूरत से फ्लावर्स खिले थे और इसमें भी इस तरीके से बंचेस में फ्लावरिंग होती है. तो पूरा का पूरा जो प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक बुके की तरीके से लगता है कि इकट्ठे इतने सारे फ्लावर्स और उसमें थोड़ी थोड़ी सी ये बड़ी बड़ी सी जो लीव्स होती हैं वो निकलती हैं. तो ये भी प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्डी वैरायटी होता है और ये भी टिल नवंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा. तो अभी फ्रेंड जो भी पेरिनियल प्लांट्स हैं वो जब तक सूदिंग टेम्परेचर रहेगा, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर जाएगा, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी, कोल्ड रहेगा, तभी जाके इनमें फ्लावरिंग रुकती है. और अभी के लिए फ़िलहाल आप देख सकते हो ये वाला भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर लगता है. ये छोटे छोटे से इसमें फ्लावर्स खिलते हैं इस तरीके के येलो, तो आप ये वाली वैरायटी भी लगा सकते हो. उसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है एक्जोरा का.
फ्रेंड्स एक्सोरा के लिए भी ये वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसमें भी अभी आगे तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। जैसे ही फ्रेंड जो भी आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी पत्तियाँ जब पीली होना शुरू हो जाती, क्योंकि ये फॉल सीजन है, आप पत्तियाँ अभी भी फ्रेंड्स आज आप देख सकते हो अभी भी ग्रीन बनी हुई हैं, थोड़ी एक दो ही पीली हुई हैं, तो जब ये पीली होकर गिरने लगेंगी तभी जाकर इसमें फ्लावरिंग रुकती है। तो अभी ये टिल नवंबर तक इसी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। इसमें भी आपको जो आपने पहले देखा ट्री वैरायटी है, ये ड्वार्फ वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत से लगती है। तो फ्रेंड्स इन प्लांट्स को अभी अक्टूबर मंथ में आप फर्टिलाइज भी कर सकते हो, गोबर की खाद को नीम खली के साथ मिलाकर इन प्लांट्स को दीजिए, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करेगा आपके प्लांट के साथ और इसी तरीके से आपको भर भर के फ्लावर्स भी देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है रोजेस के, और फ्रेंड्स ये है देसी गुलाब। देसी गुलाब फ्रेंड्स इस समय तो अच्छे से फ्लावरिंग कर ही रहा है, लेकिन अभी जब हम इस पर पूरा काम जो अक्टूबर मंथ में हमें अपने रोजेस प्लांट के साथ करना होता है उसके बाद की फ्लावरिंग फ्रेंड्स आप लोग के मैं दिखाऊंगी, तब आप देखिएगा कि डिफरेंस कितना ज़्यादा आ जाएगा। जो फ्लावर के साइज़ होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े से होंगे और जो प्लांट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना रहेगा। लेकिन फिर भी अभी अक्टूबर मंथ में मेरे ये जो रोज़ प्लांट्स हैं इस तरीके से फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो आप भी चाहो तो देसी गुलाब को कटिंग से इस समय लगा सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप इंग्लिश रोजेस जैसे आप कश्मीरी गुलाब जो आप ये देख रहे हो आज मेरे यहाँ, इसमें भी फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है, लेकिन इनका जो फ्रेंड्स इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी हम इन पर काम करेंगे उसका आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर, आप खुद देखना, फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है स्पेशली गुलाब पे, क्योंकि हम पूरे सीज़न भर तो इसको छोड़ देते हैं, फिर हम अक्टूबर में जाके इसकी अच्छे से रिपोर्टिंग वगैरह जो भी हमें काम करना होता है वो सब करते हैं, अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं। तो आज भी आप ये इंग्लिश रोजेज में देख रहे हो इस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है, और मैंने अभी कुछ भी इनको मैं कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जाकर हम इस पर अच्छे से जो भी हमें रोज़ केयर करना होगा वो करेंगे, और तभी के लिए इसी वजह से मैंने इनको छोड़ भी दिया है कि ठीक है अभी हमें इस पर काम करना होगा तो फिर हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है अलमांडा का। तो फ्रेंड्स अलमांडा की ये वाइन आप देख रहे हो, इसमें भी आज बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हैं, लेकिन इनके जो फ्लावर का साइज़ अगर आप देखोगे अब थोड़ा सा छोटा सा हो गया, जो कि समर से लेकर मानसून में तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है इसकी फ्लावरिंग के लिए, उस समय तो काफ़ी बड़े साइज़ में फ्लावरिंग होती है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहा है, तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करिए स्पेशली अक्टूबर गार्डन में। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है तिकोमा का, जो कि ऑरेंज जुबली तिकोमा है, ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये टिल नवंबर तक तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, कुछ तो अर्ली दिसंबर तक भी करते हैं जब तक जो वेदर होता है काफ़ी ज़्यादा सूदिंग बना रहता है। तो इन प्लांट्स को अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो इन्हें अभी आप अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दीजिए, जो भी आप खाद देना चाह रहे हो आप दे लो, आप वो अभी दे दो ताकि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे टिल नवंबर तक। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो इसे भी अपने अक्टूबर गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करिए अगर आपके पास होगा तो, ये अभी भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है पिंक ट्रम्पेट वाइन का, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एडिशन होता है, इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करिए। इसका जो कलर होता है मैं हर बार कहती हूँ काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल होता है, बहुत ज़्यादा इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो देखने में खूबसूरत से लगते हैं, पॉलिनेटर्स को ये भी प्लांट अट्रैक्ट करता है, तो इस प्लांट को भी ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करिए। अगर आप इसे वाइन के तौर पे लगाना चाह रहे हो तो आप वाइन के तौर पे लगाओ, नहीं तो आप इसे सेमी वाइन भी बना सकते हो प्रूनिंग इसकी टाइमली करके, तो इस प्लांट को भी अभी ज़रूर लगा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है हिबिस्कस के। तो फ्रेंड्स हिबिस्कस का भी जो टाइम है वो अब आ गया है, स्पेशली आपके जो हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, ये तो फ्रेंड्स मेरे देसी हिबिस्कस हैं, इनमें भी अभी भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, तो आप इन्हें भी फर्टिलाइज कर दो, जब तक इनकी पत्तियाँ पीली होकर गिरने नहीं लगेंगी तब तक ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा, और इधर अक्टूबर मंथ में भी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो अगर आपके पास देसी हिबिस्कस हैं या फिर हाइब्रिड हिबिस्कस हैं इन्हें भी आप अच्छे से फर्टिलाइज कर दो तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। इस तरीके से ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं तो ये तो इनका परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि ये मॉनसून के बाद से इनमें फ्लावरिंग जो होती है विंटर्स में तो बहुत अच्छे से होती है। अगर आप कोई प्लांट हिबिस्कस का बाय करना चाह रहे हो तो आप इस समय हाइब्रिड हिबिस्कस को अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है मिनी चांदनी का। मिनी चांदनी भी इधर अक्टूबर मंथ में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक ये बोनजाई लुक लिए हुए प्लांट होता है। आप देखिए ये अपने आप ही नेचुरली वे में इस तरीके से गोल पूरा इसका लुक है, ऊपर से आप देख सकते हो थोड़ा सा बोनजाई लुक देता है, काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत सा लगता है, तो इसे भी आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है मधुकामनी का। फ्रेंड्स मधुकामनी में मेरे यहाँ फिर से बर्ड्स निकलना शुरू हो गई, मैं आपको इसके फ्लावर्स दिखा रही हूँ कि
इस तरीके से फ्लावर्स इसमें निकलते हैं। अभी फिर से बर्ड्स आ गई हैं तो फिर से इसमें फ्लावरिंग होगी, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करिए। कटिंग के थ्रू भी आप इसे अभी लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है अरेबियन जैस्मिन का, जिसे मोगरा भी कहते हैं। इसे भी फ्रेंड्स आप इस समय फर्टिलाइजर ज़रूर से ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि ये नवंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो ये एक हैवी फीडर है, तो इसे आप गोबर की खाद हो गया या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी आप डालते हो वो डालिए, लेकिन नीम खली को ज़रूर से ज़रूर मिलाइए। लेकिन अगर आप गोबर की खाद डालोगे तो फ्रेंड्स, चूँकि मैंने हमेशा यूज़ किया है तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी, वो बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, आपको रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। तो इस प्लांट को भी ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिए। लास्टली जो फ्रेंड्स आप प्लांट देख रहे हो ये है मॉस रोजेस के, ऑल्दो ये अब इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आज मेरे यहाँ इतनी खूबसूरत से फ्रेंड्स इसमें डेली फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। अगर आपके पास अभी आपको जैसे मुझे भी ये थाली वाले पॉट्स खाली करने होंगे तो मैं जस्ट इनको निकाल के मैं स्टोर कर लूँगी नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो आप छोटे से पॉट्स में भी लगा सकते हो। लेकिन इस समय भी आप देख सकते हो कितने खूबसूरत से इसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो मॉस रोजेस की ये देसी वैरायटी है जो कि अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। आप देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत से इसके फ्लावर्स लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से कौन से प्लांट्स आपने ऑलरेडी अपने अक्टूबर गार्डन में लगा लिए हैं और आपको इनमें से कौन से प्लांट्स सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।